राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों के नैतिक विकास के दौरान आने वाली समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम बचपन। दोस्तों, हम सब के साथ कभी कभी ऐसा होता है, मेरा मतलब है हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि जिसका हल ढूंढने के लिए हमें अकेले ही फैसला करना होता है। हम कई बार चाह कर भी इन फैसलों में किसी को शामिल नहीं कर पाते, और शामिल करना भी चाहें तो जरूरी नहीं कि कोई हमारी मुश्किल हल करने में हमारी मदद करे। इस हालत में हमें काफी तकलीफ होती है। हम इतने अकेले पड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। हम ये नहीं समझ पाते कि क्या गलत है क्या सही, या हम इन मुश्किलों को कैसे हल करें। ये मुश्किलें कैसी हैं, ये मुश्किलें क्या हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा है ये कार्यक्रम बचपन। बचपन श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शीर्षक है मदद। जब भी छुट्टियों के दिन आते, राजू अपने चाचा के घर जरूर जाता। इसका एक कारण था, वो ये कि राजू को तैरने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में एक छोटा सा ही तालाब था जहां उसे तैरने में मजा नहीं आता था। उसके चाचा के गांव में बहुत बड़ी नहर थी। इसी नहर में तैरने के लालच से छुट्टियों में राजू अपने चाचा के घर जाने की जिद करता। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने पर इस बार भी ऐसा ही हुआ। छुट्टियां शुरू होते ही राजू अपने माता पिता के साथ चाचा के घर की तरफ जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चाचा के गांव से थोड़ी दूर वाले स्टेशन पर पहुंची। तीनों गाड़ी से उतरे और स्टेशन से बाहर आकर गांव जाने के लिए एक तांगे में बैठ गए। राजू जी, थोड़ी देर में पहुंच जाओगे तुम अपने चाचा के गांव। मुझे तो उनका गांव दिखाई भी देने लगा है। हाँ, वो सामने टीले के पार कुछ घर दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, हमें वहीं जाना है। हाँ बिल्कुल वहीं, बस थोड़ी सी देर में हम वहीं होंगे जी। लेकिन राजू जी, हाँ, एक बात का ध्यान रखना। वो क्या बापू? यही कि चाचा के घर कोई शरारत वरारत मत करना। बिल्कुल नहीं बापू। तांगे वाले, तांगा रोकना सर। सुनो तांगे वाले, जरा तांगा रोको। यहाँ किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। किसी की आवाज तो मुझे भी सुनाई दी थी। नीचे उतर कर देखते हैं। यहाँ जी सड़क पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हल्का अंधेरा भी तो है। मैं तांगा रोकता हूँ। आवाज तो इसी तरफ से आई थी, जरा थोड़ा पीछे जाकर देखो जी, शायद कोई हो। माँ, हाँ माँ, इधर देखो, ये देखो, इधर झाड़ियों में से आवाज आ रही है। अरे हाँ, इधर तो एक आदमी गिरा पड़ा है। हाँ, ये तो पानी मांग रहा है। हाँ, हाँ, पानी तो हमारे पास है। ये लो पानी। हाँ, लाओ, इसे पिला। मैं पकड़ाता हूँ। ये लो भाई, पानी पी लो। ऐसे ऐसे। अरे अरे, ये तो पानी पीते पीते बेहोश हो गया। हाँ, हो सकता है इसे चोट लगी हो। मैं तो कहती हूँ इसे उठाकर इसी तांगे में लिटा दो। हाँ, यही ठीक रहेगा। मगर ये है कौन? कोई भी हो, है तो इंसान ही, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। बेटे राजू जी, तुम जरा इधर से उठाओ जी। अच्छा। हाँ बाबूजी, मैं
इधर से पकड़ता हूँ। हाँ, सामान मैंने तांगे में आगे रख दिया है, इसे इधर लिटा दो। हाँ, थोड़ा धीरे से है। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों भी बैठ जाओ। हाँ, मैं तो यहाँ बैठ गया ऐसे। ये लो, मैं भी इसे पकड़ के बैठ गया। टांगे वाले भाई, अब चलो। अच्छा बाबू, लेकिन इस जख्मी आदमी को लेकर हम जाएंगे कहाँ? डॉक्टर के पास, इसे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, वही तो इसका इलाज करेगा। हाँ टांगे वाले, हाँ बाबू जी, यहाँ आसपास में कोई अस्पताल है, डॉक्टर तो होगा। हाँ, वहीं ले चलो, पहले इसकी मरहम पट्टी करवा दें। अच्छा बाबू जी। ये बेचारा तो अभी भी बेहोश ही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है, इसके चक्कर में पड़कर तो हम चाचा के घर देर से पहुंचेंगे। मैं तो सोच रहा था चाचा के घर पहुंचकर सूरज डूबने से पहले लहर में तैर आता थोड़ी देर को। उफ, अब तो हमें और भी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, अरे किसी की मदद करना सबसे अच्छी बात है बेटा। मगर बापू, ये आदमी ना तो हमारी जान पहचान का है और ना ही ये हमारा रिश्तेदार है। तो क्या हुआ बेटे, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। कल को हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अगर दुनिया में हर आदमी तुम्हारी तरह सोचने लगेगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आप ठीक कहते हैं माँ। शाबाश, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, ये कभी नहीं भूलना। फिर घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचाकर तांगा राजू के चाचा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर राजू और उसके माता पिता तांगे से ज्यों ही उतरे तो राजू खुशी से चहक उठा। तांगे वाला पैसे लेकर चला गया तो राजू बोला, अरे चाचा जी का घर आ गया। हाँ बेटे, अब तो खुश हो ना? हाँ। तुम्हें चाचा का घर बड़ा पसंद है? बिल्कुल, क्योंकि चाचा के घर के पास ही नहर है जहाँ मैं खूब तैर सकता हूँ। क्यों, तैरने के लिए हमारे गांव का तालाब बुरा है? ओ, वो तो छोटा सा तालाब है माँ, उसमें तैरने में वो मजा थोड़ा ही आता है जो यहाँ चाचा के गांव की बड़ी नहर में तैरने से आता है। जानती हूँ, तुम्हारा एक ही तो शौक है, तैरना। हाँ, अब आप कहो तो मैं चाचा के घर जाने से पहले सीधे नहर में नहा दूं? नहीं नहीं भाई नहीं, अंदर चलो पहले, कल सुबह जाना नहर पर। अजी आप दरवाजा तो खटखटाइए। अगले दिन माता पिता की अनुमति से राजू नहर की तरफ चल पड़ा तैरने के लिए। राजू जब तक नहर के किनारे पहुंचता, उससे पहले कुछ बच्चे एक छोटी लड़की को तैरने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। आज तो तुम्हें तैरना सीखना ही होगा। मैंने कह दिया ना कि मुझे तैरना नहीं आता, तुम लोग जाओ, मैं यही किनारे पर नहा लूंगी। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तो तुम्हें हमारे साथ तैरना ही होगा। हाँ। अरे तुम घबराती क्यों हो, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। हाँ। तुम्हारे साथ इस नहर में तभी तो चलूंगी जब मैं तैरना सीख जाऊंगी, आज नहीं। अरे पानी में कूदने पर हाथ पैर तो मारने होते हैं बस, और क्या, उसी को तैरना कहते हैं बुद्धू। भाई तुम्हें तो तैरना हम आज सिखा ही देंगे। हाँ। वो कैसे? ऐसा करो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ। अरे नहीं, अरे हाँ, ऐसी ऐसी, नहीं बचाओ, अरे अरे भाई हाथ पैर मारो जल्दी पानी में। अरे 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 भाई वो तो सचमुच में डूब रही है, क्या करें, उसे बचाओ। अरे क्या क्या, लेकिन हम कैसे बचाएं, कहीं हम भी डूब गए तो? हाँ ये तो ठीक है, ऐसा करते हैं किसी को मदद के लिए बुला के लाते हैं, ठीक है? हाँ ये ठीक है। जैसे ही वो बच्चे किसी को बुलाने के लिए गए, राजू वहाँ पहुँचा। उसने बच्ची को डूबते देखा तो फौरन पानी में कूदा और बड़ी मुश्किल से उसे बचाकर बाहर लाया, फिर उसे उसके घर भी पहुंचाया। इधर काफी देर तक जब राजू वापस नहीं पहुंचा तो घर में सभी उसके लिए परेशान होने लगे। उसके पिता नहर की तरफ उसे बुलाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि तभी राजू आता दिखाई दिया।
लो राजू आ गया। हमने कहा था ना जल्दी आ जाना, आज तो तुमने इतनी देर कर दी कि हमें चिंता होने लगी थी। तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे पिता चल ही रहे थे। अरे इसके तो सारे कपड़े ही भीगे पड़े हैं। क्यों रे इतनी जल्दी थी तैरने की कि कपड़ों के साथ ही नहर में कूद पड़ा? नहीं वो आज तो तैरने का वक्त ही नहीं मिला। लो सुन लो, एक तो नहर के पानी में सारे कपड़े भिगो लाया है, उस पर ये कह रहा है कि आज नहर में तैरने का वक्त ही नहीं मिला। तो फिर इतनी देर कहाँ थे और ये कपड़े कैसे भीगे हैं? वो बात यह है कि जब मैं नहर के पास पहुँचा तो सीधे ही नहर में कूदना पड़ा। क्या क्या कहा, इन्हीं कपड़ों के साथ पानी में कूद गया? अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी, अगर जरा भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। लो सुन लो इसकी बातें, जाने क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरी। माँ बात दरअसल ये है कि जब मैं नहर के पास पहुँचा तो मैंने देखा एक लड़की उसमें डूब रही है। ये देखकर मैं सीधा नहर में कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे नहर से बाहर निकाल पाया। वो लड़की बच तो गई ना? हाँ उसके पेट में काफी पानी चला गया था, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचता तो वो डूब जाती। कौन थी वो लड़की, अगर उसे तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों गई? बाबूजी जब मैं उसे बचाकर उसके घर का पता पूछता फिर रहा था तो रास्ते में उसी बच्चे के पिता दो बच्चों के साथ नहर की तरफ भागे आ रहे थे उस बच्चे को बचाने के लिए। अच्छा हाँ, उन्हें कैसे पता लगा कि बच्ची डूब रही है? मुझे भी उन लोगों से मिलकर पता लगा कि नहर पर दो लड़के और एक लड़की नहाने गए थे, तीनों दोस्त थे, लड़की को तैरना नहीं आता था सो बाकी दोनों ने उसे जबरदस्ती तैरना सीखने के लिए जोर डाला तो वो लड़की डूबने लगी। अरे तो बाकी दोनों बच्चे तो तैरना जानते थे तो उन्होंने क्यों नहीं उसे बचाया? वो उस बच्ची के पिता को बुलाने के लिए चले गए और इतनी देर में बच्ची डूब जाती तो? बिल्कुल यही बात जब मैंने उनसे पूछी तो दोनों बच्चों ने कहा कि उस बच्ची को बचाने के चक्कर में अगर वो खुद डूब जाते तो उस बच्ची के साथ साथ उनकी जान भी तो खतरे में पड़ जाती क्योंकि बच्ची गहरे पानी में चली गई थी। ये तो तुम्हारे साथ भी हो सकता था राजू जी। उस बच्ची को बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? क्या मतलब भाई, भाई मैं तो उस बच्चे की मदद कर रहा था, जैसे कल रास्ते में आपने एक घायल आदमी की मदद की थी। वो और बात थी राजू, और ये और बात है। वैसे मदद करना एक बात है, अपनी जान को खतरे में डालकर मदद करना दूसरी बात है। क्या भाई, मदद करने से पहले अपना भला बुरा भी तो सोच लेना चाहिए था ना। तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने देखते देखते उस बच्ची को डूब जाने देता? डूब जाने देता? दोस्तों ये है वो सवाल जिसका उत्तर आपको भी खोजना है। क्या राजू को अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे बच्चे को बचाने के लिए मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्या राजू ने जो किया ठीक किया या उसे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था? आप अगर राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? इस प्रश्न पर अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से चर्चा करो। मदद, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सुरेश शास्त्री, सुनीति कोहली, प्रवीण शर्मा, आरती बख्शी, आशीष बख्शी और यमन कौशिक, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, ध्वनिंकन सतीश लाड़े, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, परियोजना परिकल्पना विशेष संयोजन एवं कार्यक्रम निर्माण प्रभुदयाल खट्टर।